अच्छा जी, जब कंपनी इशू ऑफ शेयर की बात कर लेते हैं जी, जब कंपनी शेयर इशू करती है, याद रहे यार, सबसे पहले तो फिर मैं बता दूं, कंपनी शेयर सेल नहीं करती। सेल वो चीज़ होती है जो आपने किसी से पहले खरीदी हो। कंपनी हमेशा शेयर इशू करती है। अब कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जी। इसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर्स, ऑथराइज्ड शेयर्स। ये क्या होता है जी? बेटे याद रहे, जब हम कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं, जब हम कंपनी बनाते हैं, तो फॉर्मेशन के वक्त हम दो डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रार को यूके में और पाकिस्तान में SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम टू डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो SECP को पाकिस्तान में और कंपनी रजिस्ट्रार को यूके में प्रोवाइड करते हैं। द वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द सेकेंड वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का एक्सटर्नल फाउंडेशन होता है जी, एक्सटर्नल फाउंडेशन जी। क्या समझाऊं मैं अब आपको, चलो हिम्मत करते हैं थोड़ी सी। एक्सटर्नल फाउंडेशन का मतलब समझ लो यार, घर का नक्शा होता ना, दो कमरे बनाएंगे, टीवी लाउंज बनाएंगे, किचन बनाएंगे, डर्टी किचन बनाएंगे, एंट्रेंस का गेट रखेंगे। दिस इज बेसिकली कंपनी का नाम क्या होगा, नेम। कंपनी का काम क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कंपनी का ऑफिस पाकिस्तान में किस प्रोविंस में होगा, टेरिटरी हो सकता है। पाकिस्तान जैसे इस्लामाबाद इज अ टेरिटरी, नॉट अ पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस। सो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी के ऑनर्स क्या होंगे, कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो ये कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है जी, आइन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर, कंपनी चलाएगा कौन, डायरेक्टर्स की वोटिंग कैसे होगी, डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे होगा, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस कितनी देर में जाएगा, शेयर होल्डर्स अगर खुद नहीं आ सकते तो प्रॉक्सी किस तरह लगेगी। किसी भी कंपनी को चलाने का इंटरनल सारा प्रोसीजर इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जब SECP को जमा करवाते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम बताते हैं, अप्रूवल लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इतने शेयर्स इशू करेंगे अगर SECP पाकिस्तान में, कंपनी रजिस्ट्रार यूके में हमारी कंपनी बनने का डॉक्यूमेंट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम इशू कर देते हैं। इसका मतलब है उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को ऑनर कर दी है, जिसमें हमने उन्हें बताया कि हम कितने शेयर्स इशू करेंगे। दोज शेयर्स आर ऑथराइज शेयर्स। मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन इशू अकॉर्डिंग टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो भाई जितने शेयर्स एक कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है, वो शेयर्स हैं उसके ऑथराइज शेयर्स, ठीक है जी। और अब एक और डेफिनेशन भी ले आते हैं जी, दैट इज पार वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट जी। तो भाईजान, कोई कंट्री जो है वो एक शेयर की जो वैल्यू डिसाइड कर लेती है, दैट इज पार वैल्यू। तो यार जितने एक शेयर्स कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है, दोज शेयर्स आर ऑथराइज शेयर्स। मुझे पता, अच्छा बच्चा सोच रहा है कि सर इसका मतलब है अगर हम 10,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं और हम 10,000 शेयर्स इशू कर देते हैं, तो क्या हम उसके बाद फिर शेयर्स इशू नहीं कर सकते? यार हम कर सकते हैं, कंपनी लॉ बताता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज कैसे कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है, आप फर्दर शेयर इशू कर सकते हैं। याद रहे ये जो ऑथराइज शेयर्स हैं, दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। यार ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये गली बाती बात है यार, इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो फिर असल चीज क्या है, वो है इशूड शेयर्स, इशूड शेयर्स।
इशूड शेयर्स, द एक्चुअल शेयर्स कंपनी, द एक्चुअल शेयर्स शेयर्स इशूड फ्रॉम ऑथराइज्ड शेयर्स इज इशूड शेयर कैपिटल. तो यार असल में तो आप इतने शेयर्स इशू कर सकते थे ना मैक्सिमम, उनमें से जितने आपने शेयर्स इशू किए हैं उन शेयर्स को हम बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल. और मैं इशू ऑफ शेयर पे उसी तरफ जा रहा हूं कि यार ये इशू ऑफ शेयर क्या है, थोड़ा सा आपको और सिखाता हूं जी. मैं उसी टॉपिक पे हूं जी, इशू ऑफ शेयर के, शेयर इशू कैसे करें, इशू ऑफ शेयर. याद रहे जी मैं सिंपल सी एक सिचुएशन पे भी जा रहा हूं कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, इशूड एट $1.5, जबकि बेटे पार वैल्यू क्या थी, पार वैल्यू थी $1. सो जी ये आपके पास एक सिंपल सी सिचुएशन है, इसको हम बोलते हैं 10,000 हमने शेयर इशू किए हैं 1.5 के, जबकि पार वैल्यू वाज $1. बिल्कुल सादा सी सिचुएशन है. तो बेटे हम क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, हम बोलेंगे बैंक डेबिट, क्योंकि यार पैसे इनफ्लो हुए हैं 10,000 इंटू 1.5 विच इज 15,000. बैंक डेबिट कितने से हुआ है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 1. याद रहे हम क्रेडिट कैपिटल की जगह आपकी बार क्या करेंगे, शेयर कैपिटल. मुनासिब है शेयर कैपिटल के साथ आप पार वैल्यू लिखें. शेयर कैपिटल में हमेशा 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 पार वैल्यू जाती है, हमेशा शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू जाएगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट. और जितने पैसे शेयर कैपिटल में पार वैल्यू से ज़्यादा आ रहे हैं उसको हम शेयर प्रीमियम बोलते हैं. This is the very simple entry, that is bank debit with the total amount, share capital only credited with par value, addition goes to share premium account. और करते हैं जी, 5,000 shares issued at $1.5, again par value क्या है, par value is 1. तो बेटे मैं एंट्री कर दूंगा, मैं कहूंगा बैंक डेबिट 5,000 इंटू 1.5 7,500, बैंक डेबिट 2. शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू जाएगी विच इज 5,000 इंटू 1, और जितना पार वैल्यू से ज्यादा है वो कहाँ जाएगा, शेयर प्रीमियम में विच इज 2,500. तो बैंक डेबिट विथ फुल अमाउंट, शेयर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिटेड विथ पार वैल्यू, एडिशन गोज टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. और आपके AS लेवल के कोर्स में कभी भी हम पार वैल्यू से नीचे हम शेयर इशू नहीं करेंगे, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है जी. और वैसे भी अब पाकिस्तान का भी कंपनी लॉ कहता है कि हम शेयर्स जो है वो पार वैल्यू से लेस वैल्यू पे इशू कर ही नहीं सकते, और पूरी दुनिया में भी इसी तरह है, और ये तब से इस तरह जब से मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना जी. सो परेशान नहीं होना. सो बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट विद पार वैल्यू, एंड द एडिशन गोज टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. सो वी हैव वेरी सिंपल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ शेयर्स. द बैंक ऑलवेज डेबिटेड विद द फुल अमाउंट, एंड द शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड. शेयर कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ कंपनी ना, और कंपनी की कैपिटल की नेचर हमेशा क्रेडिट ही होती है ना कैपिटल. तो शेयर कैपिटल क्रेडिट विद पार वैल्यू, एंड द एडिशन गोज टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर सिखाऊंगा जी.